केजरीवाल की हेल्थ ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की हेल्थ गिरफ्तारी के बाद से ही खराब होती जा रही है। आप सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल का वजन 4.5 किलोग्राम तक घट गया है, जिसको लेकर आप कार्यकर्ता और परिवार में चिंता बढ़ गई है। इस पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक सीवियर डायबिटिक मरीज हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वे देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते थे। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलोग्राम तक घट गया है। ये बहुत चिंताजनक है। आज बीजेपी उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश, तो क्या भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। वहीं कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी शेयर की थी और कहा था कि उन्हें डायबिटीज है। हालांकि उनका शुगर लेवल अनियमित है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की दृढ़ संकल्प मजबूत है। हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब दे। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। दो दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल पहुंचे थे तब उनका वजन लगभग 55 किलो था और अभी भी उनका वजन 55 किलो ही है। जेल में अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य स्थिर है, शुगर नॉर्मल है, शुगर लेवल रैंडम 170 है। उन्होंने आज भी सुबह उठकर योगा किया और ध्यान लगाया। उन्होंने अपने बैरक में वॉक भी किया। जेल के डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चिंता नहीं जताई है। केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, ऐसे में उनके ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, इसके लिए उन्हें दवाई भी दी गई है। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के सीएम की डायबिटीज में उतार चढ़ाव हो रहा है। एक समय उनका शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला गया था। उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए उनको दवाएं दी जा रही हैं। जेल अधिकारियों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को शुगर लेवल चेक करने के लिए एक शुगर सेंसर और इसमें अचानक आने वाली गिरावट को कंट्रोल करने के लिए टॉफियां दी गई हैं। दिल्ली के सीएम को जेल में दोपहर और रात को घर का बना खाना परोसा जा रहा है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जेल अधिकारियों का ये भी कहना है कि किसी भी इमरजेंसी स्थिति के लिए उनकी कोठरी के पास एक क्विक रिस्पांस टीम को तैनात कर दिया गया है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पत्नी सुनीता से बात की और अपने वकील से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की थी। बता दें कि ईडी ने यह चिंता जताई थी कि केजरीवाल की रिहाई से मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच में बाधा आ सकती है, जिसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अंतिम राहत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर आज सुनवाई होगी।